कढ़ाई बुनाई व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उसकी स्किल की, अर्थात आपको कढ़ाई करना और बुनाई करना सीखना होगा। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा ही संचालित की जा रही कई यूनिवर्सिटी भी इस तरह की शिक्षा प्रदान करती हैं एवं कई महिलाओं के द्वारा अपने स्तर पर संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप एवं एनजीओ भी गाँव में काम करने वाली गृहिणी को इस प्रकार की शिक्षा देते हैं, जिससे कि वो आसानी से अपनी आजीविका चला सके। यदि आप किसी बड़ी कंपनी के तहत कार्य करते हैं तो आपको उनकी तरफ से कढ़ाई और बुनाई में काम आने वाला सामान प्रदान कर दिया जाता है, परंतु यदि आप खुद एक छोटे स्तर पर अपना कढ़ाई बुनाई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और उनकी सहायता से आप कई प्रकार के व्यवसाय कर सकते हैं। महिलाओं के लिए चला सकते हैं एक बुटीक। अगर आपने अपने परिवार में किसी दूसरी महिला या फिर किसी अन्य संस्था से इस तरह की स्किल सीख ली है तो आप अपने गांव में रहते हुए ही महिलाओं के कपड़ों की सिलाई कर इस व्यवसाय में अच्छा खासा मुनाफा कर सकती हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आपके पास निवेश के लिए अधिक राशि नहीं होगी, इसलिए आप अपने घर से ही इसे संचालित करें और अपने गाँव के ही आसपास की महिलाओं से सिलने के लिए कपड़े प्राप्त करें। छोटे बच्चों की स्कूल ड्रेस सिलकर कर सकते हैं मुनाफा। आप अपने गांव में ही स्थित किसी स्कूल की ड्रेस का किसी भी छोटे बच्चे के साइज के अनुसार सैंपल बनाकर तैयार रख सकते हैं और दूसरी महिलाओं को उसके बारे में बता सकते हैं, जिससे कि वो आपके काम से प्रभावित होकर आपको ही अपने बच्चे के कपड़े सिलने के लिए दे सकती है। सिल सकते हैं किसी त्योहार के दौरान पहने जाने वाले स्पेशल ड्रेसेस। यदि आपने एक बार इस क्षेत्र में स्पेशलिटी हासिल कर ली तो आप आसानी से किसी त्योहार पर लोगों के द्वारा पहने जाने वाली ड्रेस भी सिल सकते हैं। हालांकि इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपको त्योहार के सीजन के दौरान ही मिलेगी, परंतु आपके काम से प्रभावित होकर वो लोग आपसे दूसरी प्रकार की ड्रेस भी सिलवा सकते हैं। इस व्यवसाय को छोटे स्तर पर घर से संचालित करने के लिए किन किन चीजों की होगी आवश्यकता। सबसे पहले आपको कढ़ाई और बुनाई की स्किल सीखनी होगी। बुनाई के काम में आने वाला धागा, सिलाई के काम में आने वाली एक छोटी सी मशीन, मशीन की रिपेयरिंग करने के लिए काम में आने वाला ऑयल, मशीन को रखने के लिए एक छोटी टेबल, इस्तेमाल में आने वाला कपड़ा। कढ़ाई बुनाई के व्यवसाय के कुछ फायदे। बहुत कम निवेश में भी कर सकते हैं शुरुआत। इसके लिए आपको बहुत कम निवेश करना होगा। आप 30,000 रुपए से 40,000 रुपए तक के निवेश में इस व्यवसाय को घर से शुरू कर सकते हैं। एक बार आपकी कढ़ाई और बुनाई लोगों को पसंद आने पर आप अपने तहत दूसरी महिलाओं और पुरुषों को भी काम प्रदान कर अपना मुनाफा बढ़ाने के साथ साथ उनको भी आमदनी का जरिया बना सकते हैं। आसानी से सीख सकते हैं स्किल। कई सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली महिलाएं इस तरह की स्किल गांव की महिलाओं को मुफ्त में सिखाती हैं। साथ ही स्किल को सीखने के लिए आपको किसी अतिरिक्त ज्ञान की जरूरत भी नहीं होगी। आप बहुत कम प्रैक्टिस और मेहनत की बदौलत इसको सीख सकते हैं। आसानी से हो सकती है गरीब महिलाओं की मदद। यदि आप इस व्यवसाय में थोड़े बहुत सफल होते हैं तो अपने यहाँ दूसरी महिलाओं को काम दे सकती हैं। मुख्यतः आप गरीब महिलाओं को ही अपने यहाँ काम सिखाएं, जिससे उनकी गृहस्थी चलने में सहयोग मिले। आइए अब जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने गांव या शहर में रहते हुए छोटे स्तर पर इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। करें निवेश की व्यवस्था। हालांकि इस व्यवसाय में आपको अधिक निवेश की जरूरत नहीं होगी, परंतु फिर भी यदि आपके पास आवश्यक निवेश नहीं है तो आप भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही बुनकर स्कीम के तहत बैंकों से बिना किसी कॉलेट्रल के लोन ले सकते हैं। साथ ही स्कीम में सरकार के द्वारा इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाता है, अर्थात यदि बैंक आपको 9% ब्याज पर लोन देता है तो उसमें से 2 या 3% ब्याज सरकार के द्वारा चुकाया जाएगा। निश्चित करें अपना समय क्षेत्र। जैसे कि आप इस व्यवसाय के छोटे स्तर पर ही शुरू करेंगे और आप अपने घर के दूसरे कामों के साथ साथ इसे भी संचालित करेंगे, इसलिए आपके पास इस क्षेत्र में काम करने के लिए पूरा दिन नहीं होगा। आप अपना एक समय क्षेत्र निर्धारित कर सकते हैं जिसमें आप इस काम को करेंगे और बाकी समय में आप अपने घर को संभाल सकते हैं। कैसे करें छोटे स्तर पर शुरू किए गए व्यवसाय की मार्केटिंग। जैसा कि आपके पास मार्केटिंग करने के लिए अधिक निवेश नहीं रहेगा तो आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की सहायता से ही मुफ्त में अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने यहाँ आने वाले ग्राहकों को बेहतरीन सेवा प्रदान करनी होगी और उसकी डिमांड के अनुसार कढ़ाई और बुनाई करनी होगी, जिससे खुश होकर वो खुद ही दूसरे लोगों को आपके बारे में बताएंगे। जान लें अपने कानूनी अधिकार। सरकार के द्वारा बनाए गए श्रम कानून एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए दूसरे कानूनों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि इस तरह के कानून आपको आपके कार्य क्षेत्र पर होने वाले गलत घटनाओं से बचाएंगे। साथ ही यदि आप खुद इस व्यवसाय को आने वाले समय में बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको GST पोर्टल पर रजिस्टर करवा कर अपना एक GST नंबर प्राप्त करना होगा। सरकार की लोन में माफी एवं बुनकर स्कीम का फायदा उठाने के लिए आपको अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाना होगा एवं इसे अपने पैन कार्ड से जुड़वाना होगा। हालांकि इस क्षेत्र में महिलाओं को कुछ छूट प्रदान की गई है, जिसके बारे में और अधिक जानकारी आप भारत सरकार की टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।